Hello, Kapil sir. How are you, Sonia? Ma'am. रणवीर सर एंड सिद्धू सर, आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने के लिए कि इस बार दिवाली वेकेशन के टाइम मैं दुबई में रहूँगी और आपका शो दुबई में लाइव होने वाला है और मैं वो अटेंड करूँगी. थैंक यू. ऑल्सो मैं रणवीर की बहुत बड़ी फैन हूँ. यू आर माई फेवरेट. थैंक यू. तो पास लेने आई है दुबई शो का? नहीं, आपको बताने आई हूँ. सो स्वीट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. थैंक यू. अरे ये लड़की ने देखो रणबीर आपके नाम की टी-शर्ट पहनी हुई है. हां देखा. रणबीर इज माय बे. हाय, व्हाट्स योर नेम? तनीशा. तनीशा, दैट्स रियली स्वीट यार. सर, आई एम योर वेरी 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 बिग फैन. फर्स्ट डोंट कॉल मी सर, कॉल मी रणबीर एंड थैंक यू सो मच. आई फील सो गुड सीइंग दैट. सर, कैन आई? अच्छा रुको रुको, वो मैं डिसाइड करूंगा अभी. बहुत हो गया हगना वगना सब. मैं देखो मेरे को आपसे बात करनी है. आपने इतनी क्यूट टी-शर्ट पहनी हुई है और आप बहुत क्यूट भी हैं. ये बे का मतलब क्या होता है? इज माय लाइफ. देखो यार, इस पे तो हक बनता है. नहीं, अब मुझे पैसे चाहिए. यस ब्रदर. हाय रणबीर, हाय अनुष्का, हाय कपिल. हाय. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सिंस यू बोथ आर ग्रेट डांसर्स, तो क्या आप वो मेरी चांदनी सॉन्ग पे डांस कर सकते हैं? क्यों, मेरा गाना अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा, मेरा और अनुष्का का एक नया गाना है, ब्रेकअप सॉन्ग. ऐड दे जरा एक मिनट. नहीं, ये जो आपने कहा कि दो मिनट देखो, बड़ा अच्छा स्टेप करने वाले थे. गलत स्टेप कर. कहा पहले टेंशन ली करते, नाउ सी. आपका आपने नाम नहीं बताया ब्रदर. कन्नन. कन्नन, आपने भी बहुत अच्छा इनका मोमेंट खराब किया. ब्रिलियंट, इट वाज सुपर्ब. गाना आया? गाना आया? नहीं, नेट स्लो चल रहा है. एक्चुअली नेट स्लो चल रहा है. आ गया था, मुझे गाना आ गया. वैसे मुझे, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. गाना याद आ गया भी. तो दोस्तों, आप सबको जान के बहुत ही खुशी होगी, प्राप्त होगी. अनुष्का का गाना याद आ चुका है जी. ये आई टू ऑल माय गढ़वाली फैंस एंड कुमाऊनी फैंस. बबूती बसूती क्या खानी दुदुभाती मिविदेली ना झूठो चके कू बड़ी मां कू बड़ी माँ थक गई जुल दोन क्या लानी दानी मिबदेली ना. अनुष्का, एक गाना था किसी की इलेक्शन कैंपेन कर रही थी कि तो बदूदा है बड़े अच्छे, इनको वोट देनी. हाँ, एक्सक्यूज मी, आपको कहीं देखा देखा ऐसा लगता है. आपको मैं नहीं जानती. अरे मुझे तुम भूल गई, मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था यार. नहीं, मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे. हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा. अरे तू कितनी बार तो आई अपनी मम्मी के लिए शेविंग रेजर लेने मेरे घर से. हाँ हाँ हाँ, मुझे अब भी याद नहीं आया. एक दो बार अपने पापा के लिए लिपस्टिक भी मांगने आई थी. हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा. तो तुम्हें कैसे याद आएगा फिर? जब हमारी फैमिली के बारे में तो ढंग की बात करोगे. जब से मम्मी शेविंग की आएगी, पापा नीचे नहीं आ रही, क्या होते हैं यार. तो इतने देर बाद क्यों आई, कहाँ थी तू? मैं वो ना हॉस्पिटल में थी. क्या हुआ था कि हॉस्पिटल का जो बोर्ड था ना, हाँ, उसका ना पी खराब हो गया था. तो 6 महीने से मैं पी बन के खड़ी हुई थी वहाँ पे. ऐसे पी बन खड़ी हुई थी. अभी उन्हें लगवा लिया, फिर मैं यहाँ पे आ गई. अच्छा, इतने दिनों बाद आई, कुछ खाएगी? वाह, लगता है काफ़ी माल बना रहे हो आजकल. खाओगे? सिद्धू जी. हाँ जी. मैं आई हूँ, लेकिन मैं आपके लिए ना एक सबसे पहले गाना गाना चाहती हूँ, अगर आप, यू डोंट माइंड. ठोको. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट. ओ ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट. सिद्धू जी, सिद्धू जी, सिद्धू जी, सिद्धू जी, सिद्धू जी जीरो पे आउट गरम गरम, सिद्धू जी जीरो पे. मैं यहाँ आई नहीं तो क्या हो गया, मैं प्रोग्राम तो देखती हूँ ये वाला. गानों में उलझ गई यार. जिस बात के लिए, मेन बात के लिए जिसके लिए मैं आई हूँ, वो तो मैं आपको बता दूँ. मैं आई हूँ इस बात के लिए कि रणबीर कपूर जी हैं जो ये मेरे हस्बैंड. मैं अपनी
हस्बैंड से अब सेपरेशन करने के लिए आई हूँ और इनसे लूंगी मैं तलाक, तलाक, तलाक। जैसे शादी नहीं की तो तलाक किस बात का? हमारे फैमिली मैटर में ना तुमको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ओके? शादी नहीं की तुमको बड़ा पता है शादी की है कि नहीं की है। एक साल पहले हमारी शादी हो चुकी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास, लेकिन वो स्कूल गया हुआ है अभी। इतना झूठ बोल रही भाजी, एक साल पहले शादी हुई, सबूत? एक साल का बच्चा कौन सा स्कूल जाता है? नहीं नहीं, शादी एक साल पहले हुई है, पेपर वर्क तुम्हारा बहुत पहले हो गया था। सारा समाज सबूत मांगता है ना, तो सबूत मेरे पास है। सिद्धू जी, हम दोनों हनीमून पे गए थे। ओह। और हनीमून पे जब गए थे ना, तो वहाँ पे हमने ना मतलब एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा हमारा प्राइवेट वीडियो है, तो वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी। रामू काका, मोबाइल लेके आना। मेरा मोबाइल फोन है, आओ वीडियो प्ले करते हैं। आइए आइए आइए, मोबाइल में वीडियो प्ले। ठंड कितनी लग रही है ना। अच्छा, हाथ दे दो बेबी। अरे आपका हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं नहीं, हाथ क्यों, बर्फ कैसा हाथ है आपका, हाथ नहीं पकड़ना मेरा। बेबी हम हनीमून पे हैं, इशारा समझा करो। मुझे पता है हम हनीमून पे हैं, और आपका इशारा है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। और आपका इशारा है कि खत्म हो गया। शट अप कर मामा, चुप कर जा। पीछे से बोल रहा, बर्फ खत्म हो गया। खत्म हो गया, खत्म हो गया। बर्फ खत्म हो गई। तो अभी इशारे की बात कर रहे थे हम। मैं समझती हूँ आपका इशारा है कि इस ठंड के मौसम में मैं अपना शॉल और मफलर आपको दे दूँ ताकि आपको ठंड ना लगे, ओके? और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मेरे को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। बफरिंग। बफरिंग हो रही है। बैटरी लो। अरे सुनो, ऐसा होता तुम्हारा हनीमून? हाँ एग्जैक्टली। मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो तलाक लेके रहूंगी। ये पेपर, ये रहा पेन, डिवोर्स एग्रीमेंट, यहाँ पे आप साइन करिए। चलिए। मुंह पे लगा दो। पीछे जरन भी उसको उल्टी आ रही है शायद। अच्छा रो रही हो? सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद वॉमिट कर रही हो। 6 महीने से मिले नहीं है, तो वॉमिट कैसी होगी मेरे को? But I'm feeling so bad, so sad. तुम रो रही हो ब्रेकअप के बाद? अनुष्का को देखो, ऐ दिल है मुश्किल में, उनका ब्रेकअप होता है वो डांस करती है गाना लगा के। आइडिया बुरा नहीं है। चलो मैं अभी जा रही हूँ। नहीं शूट के लिए मटेरियल अंदर मैरिज एग्रीमेंट का निकला, देखो। ओ हो, दोबारा हो गई शादी? पक्की हो गई, कोर्ट वाली होगी ये तो। चुपचाप शूटिंग के बाद घर आ जाओ, चलो। Thank you.